मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं चांद छठ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा था। वे सब खूब ठाट बाट से रहते थे, लेकिन सेठानी रजस्वला हुई सारा काम करती थी। सब चीजों के हाथ लगाती थी, खाना बनाती, पानी भरती, रसोई में भी सारा काम कर लेती थी। थोड़े दिन बाद उसके बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, पोते पोती हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों सेठ सेठानी मर गए। अगले जन्म में सेठ जी बैल बने और सेठानी कुतिया बनी। दोनों अपने घर में ही वापस आ गए। सेठ सेठानी जानते थे कि पूर्व जन्म में ये हमारा ही घर था। अब बेटा बैल से खूब काम करवाता, हल चलवाता, पानी निकलवाता, दिन भर खूब काम में लेता। कुतिया घर के बाहर बैठकर घर की रखवाली करती थी। उनको वहाँ बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद श्राद्ध पक्ष में सेठ जी का श्राद्ध आया। श्राद्ध में बहुत सारे व्यंजन बनाए, खीर भी बनाई। खीर खुले में बन रही थी। उसी समय एक चील उधर से उड़ती हुई जा रही थी और जाते हुए मरा हुआ सर्प का एक बच्चा खीर में गिरा गई। यह कुतिया देख रही थी। उसने सोचा, खीर जो भी खाएगा मर जाएगा, मुझे इसके बारे में पता है और घर में किसी ने नहीं देखा। तभी बहू रसोई में आई तो कुतिया ने जल्दी से उठकर खीर में मुंह दे दिया। बहू ने देखा तो डंडा लाकर कुतिया को खूब मारा, जिससे कुतिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह बहुत रोई। जब रात हुई तो बैल और कुतिया दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। कुतिया ने कहा कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो भरपेट भोजन मिला होगा। बैल बोला, आज तो कुछ नहीं मिला, खेत पर भी काम दिन भर किया और बेटे ने कुछ खाने को भी नहीं दिया। बैल बोला, तुम्हें तो खाना मिला होगा। कुतिया बोली, आज तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि आज घर में खीर बनाई थी और एक उड़ती हुई चील खीर में सर्प डाल गई। यह सब मैं देख रही थी। मैंने सोचा कि अगर ये खीर परिवार वाले खाएंगे तो मर जाएंगे। यह सोचकर मैंने बहू के सामने खीर में मुंह दे दिया। बहू ने यह सब देखकर मुझे खूब मारा, मेरी हड्डी टूट गई और उसमें बहुत दर्द हो रहा है और खाने को भी कुछ नहीं दिया। यह बात दोनों की बहू ने सुन ली। उसने बैल और कुतिया की बातें अपने पति से कही। सेठ जी का बेटा पढ़े लिखे पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने देखा और बताया कि यह जो घर में बैल है वही तुम्हारे पिताजी हैं और जो कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। बेटे ने उनके उद्धार के लिए पूछा कि इनकी मोक्ष कैसे होगी। पंडित जी बोले, भादवे की छठ को कुंवारी लड़कियाँ चाना छठ का व्रत करती हैं और रात को चांद को अर्घ देती हैं। जब इन दोनों को वहाँ खड़ा कर दो, जो पानी के छींटे लगेंगे तो वैसे ही उनकी मोक्ष हो जाएगी। बेटा बोला कि इनको यह योनि कैसे मिली। पंडित जी बोले कि तेरी माँ रजस्वला होती तब रसोई का सारा काम करती, वह खाना बनाकर अपने पति को खिला देती, इसी कारण ये दोनों इस योनि में आए हैं। तब साहूकार के बेटे ने चांद छठ आने पर अपनी बेटी से व्रत करवाया और रात को अर्घ देते समय उन दोनों को खड़ा किया। नाले में से अर्घ का पानी आया और दोनों उस पानी के नीचे खड़े रहे। दोनों के छींटे लगते ही मोक्ष हो गई। हे उपछठ माता, उन दोनों की योनि छुड़ाकर मोक्ष दिया, वैसे सबके पाप नष्ट करना, कहता ने सुनता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदायक जी की कहानी। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी, बेटा कोई तो काम करा कर। लेकिन वो तो गणेश जी को सुमरता रहता था। तो एक दिन उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। वह बिंदायक जी का नाम लेकर चला गया और चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को भजता रहा। तभी गणेश जी प्रकट हुए और लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश जी हूँ। तो लड़के ने कहा, मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा, तू मांग कर देख ले। लड़के ने कहा, जो मांगूंगा वो आप देंगे क्या। गणेश जी ने कहा, एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। लड़का बोला, सोचने दो। लड़के ने सोचकर मांगा,
ढोलो हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात घी का फलका, ऊपर ढपसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। बिंदाइक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा अब तू घर चला जा। बिंदाइक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर को आया तो देखा झोपड़ी महल बन गया और पेड़े पर छोटी सी बहू बैठी थी। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ बिंदाइक जी ने मुझे बहुत सारा धन दे दिया। माँ बहुत खुश हुई, हे बिंदाइक जी महाराज, जैसा उस बच्चे को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करना। जय गणेश जी की।